हेलो पोकेमोन फैंस, आप सभी का स्वागत है एक और नई गेम प्ले वीडियो में। इस गेम प्ले में हम यूज़ करने हैं चारिज़ार्ड। आजकल यार चारिज़ार्ड बहुत कॉमन हो गया यार, आजकल मतलब सभी लोग चारिज़ार्ड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैं भी मतलब जब गेम खेलता हूँ तो मेरे को मोस्टली चारिज़ार्ड दिख जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी चारिज़ार्ड को एक गेम प्ले में ट्राई करते हैं। तो पहले तो अपन इधर बॉटम में आ गए हैं, ये तो अच्छा हुआ अपन को बॉटम मिल गया यार, नहीं कभी कभी तो अपन को टीममेट कुछ लेने नहीं देते और अपना लेवल अप मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल तो अपन इधर फार्मिंग कर रहे हैं और अपना लेवल अप कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अभी मतलब सारे टीममेट अभी अपने ऊपर है, अपन खाली इधर नीचे अकेले ही है बॉटम पर, तो भी आराम से अपन फार्मिंग कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा जब होता तब मज़ा आ जाता है यार, मतलब अकेले अपन को सारे लेवल अप मिल जाते हैं और फार्मिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है अपनी इधर। तो मैंने पहले इधर अपने चारमेंडर को फुल मतलब फार्म कर दिया और चारमेलन बनाना था मेरे को, तो मैं इधर आगे चला गया इसको मारने ऑडिनो को। पर बेचारा ये माचोप आ गया यार बीच में टांग हराने, तो पहले तो इसको देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैंने इसका किल तो छुड़ा दिया था, पर फिर भी ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था, तो हम अपने बेस में निकल लिए। पर मैंने इसको गोल करने नहीं दिया, ये बंदा पता नहीं क्यों हमारे इधर गोल करने की सोच रहा था, पर मैंने इसका प्लान माकाम करने नहीं दिया। अभी हॉन्टर पीछे बढ़ गया था तो मैं फटाफट बेस में आ गया और चलो बढ़िया हो गया, अपना एप्सोल भी अपने साथ आ गया। तो फिर मैं इधर अभी आगे चला गया, देखते हैं इनको मार सकते कि नहीं मार सकते। पर ज़्यादा टीम में तो सभी ऊपर थे, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखो अपने ऊपर मैचअप भी क्या कहते हैं मैचअप में इवॉल्व हो गया है, तो ये भी काफ़ी सही बात हो गई। मैं कोशिश कर रहा था यार इधर कैसे भी मतलब एक गोल कर दूँ यार, पर ये साला मैचअप करने नहीं दे रहा था। चलो अपना चारमेंडर चारमेलन में इवॉल्व हो गया है, इसके पास अभी फ्लेम थ्रोवर आ गया है। मैंने मतलब इसमें क्या कहते हैं अटैक प्लस स्कोर बिल्ड यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है फोकस बैंड, मसल बैंड और क्या कहते हैं वो बड्डी बैरियर। मेरे को ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है और मैं फ्लेम थ्रोवर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यार, क्योंकि वास्ट डैमेज करता है यार ये वाला मूव। ये तो चलो अच्छा हो गया, हॉन्टर चला गया, अपन इसका किला आराम से चुरा सकते हैं। अरे इसका ये खतरनाक ड्रीम ईटर खतरनाक अटैक है यार, पता नहीं किधर किधर से मार देता है अपन को, कुछ पता ही नहीं चलता यार। फिलहाल तो इधर कोई नहीं था तो मैं सोचा क्यों ना फटाफट लेवल अप ही किया जाए। अपने पास पूरे 30-30 स्कोर हो गए थे, तो मेरे को अभी इधर गोल करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना गोल करने की ट्राई किया जाए। अपन ये साला माचोप अपने बंदे को लेकर आ गया और हम तो भाई इधर अकेले थे, तो फटाफट बेस में जाना पड़ा यार अपन को, मर ही जाते यार इतना बेस में नहीं जाते तो। वैसे आज डेलपॉक्स भी आ गया यार, एक डेलपॉक्स भी मतलब रिलीज़ हो गया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे यार डेलपॉक्स खरीदने के। चलो कोई बात नहीं, तो देख लेंगे कुछ जुगाड़ करके खरीदते हैं, खरीद लेंगे। चलो इधर अपना ये देखो कितना चौदह लगता है यार डेलपॉक्स, बढ़िया पोकेमोन लगता है। और अभी अपन इधर वर्ल्ड टोटल को पूरी कोशिश कर रहे थे मारने की कि ये बंदा हमारे हाथों से मर जाए, परंतु ये बालक मरना नहीं चाहता था, पर फिर भी हमने इसको कैसे भी करके मार डाला। और इस माचा हमने हमारी बिचारी डेलफॉक्स को भी मार दिया, बिचारी आज ही तो रिलीज़ हुई थी और बिचारी मर चुकी है। अभी मैंने सोचा ये गया है तो मैं क्यों ना गोल कर दूँ, और यस आराम से मेरा गोल हो गया, तो ये मेरा फर्स्ट गोल हुआ था अभी इधर, ये काफ़ी अच्छी बात हो गई यार। पर ये दूसरी बार भी मैच हुआ हमारे हाथों से बच गया यार, ये दिमाग ख़राब हो गया इस बात से। हाइश आखिरकार मर ही गया यार मैच हुआ, कब से परेशान कर रहा था ये, पर आखिरकार हमने इसको मार ही डाला। वैसे अपना 4 मिलियन लेवल 8 का हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी अपन थोड़ी और फार्मिंग कर लेते हैं, क्योंकि लेवल 9 पर अपना 4000 बन जाएगा। मतलब तुम देख रहे हो आजकल भी मतलब 4000 बहुत ओपी हो रहा है यार गेम में, काफ़ी लोग 4000 को यूज़ कर रहे हैं। ओहो अपना यूनाइट मूव आ चुका है, अभी और भी मज़ा आएगा तगड़ा खेलने में। इधर अपन कॉर्फिस को मार रहे हैं, ये ले मर जा ये मर गया। ये लो डेलफॉक्स भी अपने पीछे पीछे आ गई है, ये तो कौन मैचअप फार्म कर रहा है। चलो इसको इससे दूर ही रहते अपन क्या कहते हैं सामने जाकर गोल कर लेते हैं। देखिए कोई भी बंदा फिर आकर अपना गोल चुरा लेगा और फिर अपन कर नहीं पाएंगे यार सही से। ये लो गेंगर, ओ भाई कैसे ही मारा यार इसने, पता ही नहीं चला गेंगर ने कैसे ही मारा यार, बहुत बुरी तरह से मार दिया हमको। कोई बात नहीं, अभी फिर से अपन बॉटम में जा रहे हैं, देखते हैं गोल हो पाता है कि नहीं हो पाता। पहले तो इसको मार देते यार,
लेवल 10 हो जाएगा अपना। आप भी मतलब सरेजा यूज़ करो तो आप फार्मिंग पहले करो यार, सही रहता है। और मतलब कोई चूज़ कर लो, कोई पाथ बॉटम पाथ या फिर टॉप पाथ या फिर जंगल भी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो हम आईवी सॉर्ड कमाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ये हम पर जहर छोड़ गया यार, पिछले सरेजा को पूरा जहरीला कर दिया। फिर इधर आगे अपना मैच है, हम तो मैंने इधर यूनाइट मूव यूज़ करने की कोशिश की, पर पता नहीं यार इसने यूज़ कर दिया तो फिर मेरा यूनाइट मूव यूज़ नहीं हो पाया, इसलिए अपन फटाफट बेस में चले गए। और पता नहीं ये क्या ही करने आया था मछाम, फिर से भग लिया यार ये तो अपने घर पे। पता ही नहीं चला यार क्या ही करने आया था यार मछाम, मारना था तो पूरा मारना चाहिए था ना मेरे को, आधा पूरा मारकर चला गया किधर। अभी अपने बंदे ऊपर भी काफ़ी अच्छा खेल रहे यार, मछाम ने दो बंदों को निपट लिया है, तो अपनी बारी इधर खेलने की। अभी देखो इधर मैं साइड से गया तो भी पता नहीं इस चार्जर को जहर कैसे आ गया। फिलहाल तो अपन इसको उठाकर पटक रहे हैं, ये पटका अपन ने और ये मर गया। एप्सोल भाई अच्छा खेल रहा है यार, ये इधर माछम्प आ गया, गेंगार आ गया, अभी तेरे को दूर भगना पड़ेगा। ये एप्सोल मरने वाला है, ये मरेगा पक्का, कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस गया रही है मेरे ख्याल से। अभी अपन भी मरने वाले यार, अपन भी मर जाएंगे। ये लो तीन तीन चार चार बंदे आ गए, मरना तैयार ही तार है अपना इधर तो। अभी सोच रहा हूँ क्यों ना मैं टॉप पर चला जाऊँ, एक बार जाकर देखता हूँ उधर क्या हालचाल है। ओ अपनी नाइन टेल्स को परेशान कर रहा है एजिलैश, इसको तो ठोकना पड़ेगा इधर। नाइन टेल्स को कैसे परेशान कर रहा है रे तू, ये लो ख़त्म कर दिया। देख रहे हो भाई चार्जर्ड भी सेवेज है रे, एजिलैस के कोई मतलब टिक नहीं सकते रहे चार्जर्ड के सामने। यूनाइट आने के बाद तो एकदम ओपी हो जाता है यार चार्जर्ड। अभी अपन बेस में चले जाते हैं, फिर से अपन बॉटम में जाते हैं, क्योंकि वो अपना क्या कहते हैं बेस तोड़ रहे हैं सामने वाले बंदे, तो क्यों ना उनको जाकर थोड़ा ठोका जाए। और इधर आने पर पता चलता है भाई इधर तो कतई तहलका मचा हुआ है यार, भीड़म भाड़ हुई हुई है। चलो इधर का तो पूरा हो गया। ये डेल्फोक्स का वैसे फायर स्पिन तगड़ा मूव है यार, मतलब क्या ही घुमाता है बंदों को, मज़ा ही आ जाता है। ये मैच में इधर मार रहा था पर कोई नहीं, हमने इसको भी रोक दिया। पर अभी इधर बहुत सारे बंदे आ गए, जो थोड़ा क्यों ना पीछे हुआ जाए। और हमने इस ब्लास्टर्स को पूरा घेर दिया था, और ये भी फिर से मरने वाला है देखो अपने हाथों। ये लो मर गया, क्या ही मतलब देखो तीन जिनों ने बेचारे को कैसे ही घेर दिया, रैपिड स्पिन करके आ रहा था बेचारा मर गया। यही होता है जब अकेले आते हो ना तुमको ठोक देते हैं। और ये देखो गेंगार को अपन ने सेस्मिक टॉस का मजा चखाया, और इधर अपन इसको ठोक रहे हैं। मर जा भाई, कितनी एचपी लेकर आया तू। हाँ चलो मर गया, बढ़िया होगा। जेप्टोज आ गया, पर मैं फिलहाल उसको मारने नहीं जा रहा हूँ, कि मेरे पास पहले से स्कोर बड़े है। पहले तो यार इस ब्लास्टर से बचना पड़ेगा, ये वाटर टाइप है तो अपन फायर टाइप है, अपन को ठोक डालेगा ये। तो इससे तो बचते बचते मैं पता नहीं कैसे ही बच गया यार इससे तो। अच्छा था अपना लेवल हाई था थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा पीछे आ गया, क्योंकि दो बंदे थे पीछे वैसे भी। पर अपना एक बुरी बात हो गई इधर, अपना बेस टूट गया। पर कोई नहीं, अभी अपन आगे जाने वाला है स्कोर करने के लिए। मैं जेप्टोज के उधर नहीं जा रहा, क्योंकि उधर तो मर ही जाएंगे यार, कुछ हाथ नहीं लगेगा और फालतू तो मेरे सारे मतलब स्कोर वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इधर ही स्कोर कर लेते हैं, वैसे भी पॉइंट तो डबल ही मिलेंगे अपन को जेप्टोज के आने के बाद। तो मैंने गोल कटर दबा दिया और फिर स्कोर कर दिया फटाफट, इसलिए मैं गोल कटर यूज़ करता हूँ यार, क्योंकि देखो अभी इस टाइम ऐसे टाइम पर ये काम आता है गोल कटर। तो अभी मैं थोड़ा वैसे जेप्टोज मर गया था, पर मैंने सोचा इनको पहले मार डालूँ, नहीं थोड़े पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर एकदम तगड़ा स्कोर करेंगे आगे जाकर। तो अभी हम नाइन टेंस के साथ हम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े स्कोर करने के लिए। हा हा हा, हम इधर आ गए थे और चुपचाप स्कोर कर लिया, और फिर एजिलेस को पटक के ठोका, मतलब ठोक देखा क्या एजिलेस को, मतलब पूरा काँप गया रहा अंदर से, इतना ठोका हमने उसको। फिर इधर कुछ बचा नहीं था, हमने सोचा क्यों ना लूडी कोलो कोई पेल दिया जाए। तो इधर हमने लूडी कोलो को बिछाला पेल दिया, पर इस क्या कहते हैं इसका क्या नाम है क्रोडन को भी पेल दिया इधर। वैसे तो लेवल 15 का हो गया था, पर अभी क्या ही करते यार, 10 सेकेंड ही बचे, मतलब 17-16 सेकेंड ही बचे। इधर तो अपन स्कोर नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना सबको मार दिया जाए इधर ही, और थोड़ा डैमेज बढ़ा दिया जाए। वैसे ही इस चार्जर ने खतरनाक गेम प्ले खेला यार इस गेम में। ये लो अपन जीत ही गए हो गए यार मेरे ख्याल से, तो अपना स्कोर बहुत ज़्यादा था, और मेरे ख्याल से अपन अच्छे स्कोर से जीते। देखते क्या स्कोर है अपना। Yeah.
चलो देखते हैं क्या स्कोर हुआ है। ओ 881, गुड। ये तो काफ़ी ख़तरनाक स्कोर हो गया यार, एकदम डबल है एकदम। डैमेज तो कुछ खास दिया नहीं शारजार ने, पर मैं स्कोर बहुत अच्छा किया यार मैंने। देखो 225 का स्कोर है मेरा, हाईएस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।